भारत के खिलाफ एकजुट हुए दो दुश्मन, भारत से दिक्कत, चीन से मोहब्बत। मालदीव को चीन से मोहब्बत होती जा रही है, लेकिन मालदीव ये नहीं जानता कि चीन ऐसी मोहब्बत कई देशों के साथ कर चुका है और फिर उनकी पीठ में छुरा घोप चुका है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मालदीव की मोहम्मद मुइज्जुज सरकार चीन की पूरी तरीके से गुलाम हो चुकी है। एक ओर मालदीव को भारतीय सैनिकों से दिक्कत है, लेकिन दूसरी ओर चीनी सैनिकों की तैनाती अब मालदीव करने जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। इस वक्त चीन ने मालदीव के साथ द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त सैन्य सहायता के लिए एक रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। यानी अब मालदीव में भारतीय सैनिकों की तैनाती नहीं, चीन के सैनिकों की तैनाती होगी। दरअसल ये डेवलपमेंट ऐसे वक्त में आया है जब राष्ट्रपति मुइज्जू ने मालदीव में मौजूदा भारतीय सैनिकों की वापसी की डेडलाइन तय कर रखी है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने बिना किसी शर्त के मालदीव को सैन्य सहायता देने का वादा किया है। हालांकि ये सैन्य मदद किस तरह की होगी, अभी इस बारे में ज्यादा जानकारी सामने नहीं आ पाई है। लेकिन दोनों देशों के बीच सैन्य संबंध तेजी से बढ़ रहे हैं, जो भारत के लिए खतरा हो सकता है, क्योंकि चीन हर बार चालाकी करके कोई नई चाल चलता है और इस बार भी चीन यही कर रहा है। दरअसल मालदीव में मोहम्मद मुइज्जू पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद सोलिह की जगह आए हैं। सोलिह को भारत का समर्थक माना जाता था, लेकिन उनकी हार के साथ ही ये आशंका जताई गई थी कि भारत और मालदीव के रिश्ते फिर से खराब हो सकते हैं। दरअसल मोहम्मद मुइज्जू पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन के समर्थक हैं और उनकी सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। अब्दुल्ला यामीन को चीन का कट्टर समर्थक माना जाता है। मुइज्जू भी चीन समर्थक हैं और चुनाव से पहले चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अधिकारियों के साथ एक बैठक में उन्होंने कहा भी था कि अगर वे राष्ट्रपति बनते हैं तो चीन और मालदीव के रिश्तों का नया अध्याय शुरू होगा, यानी एक नया चैप्टर जिसकी अब शुरुआत हो चुकी है। मोहम्मद मुइज्जू को चीन समर्थक माना जाता है तो पूरी आशंका है कि मालदीव में चीन फिर से अपना दखल बढ़ाएगा और भारत से मालदीव के रिश्ते कमजोर हो जाएंगे, और ऐसा हो भी रहा है क्योंकि ऐसे में चीन भारत के खिलाफ साजिश रच सकता है, क्योंकि मालदीव हिंद महासागर में मौजूद एक द्वीपीय देश है। ये देश जनसंख्या और क्षेत्रफल के लिहाज से छोटा है, लेकिन रणनीतिक रूप से बेहद अहम है। दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में से एक मार्ग मालदीव के पास से होकर गुजरता है। ऐसे में हिंद महासागर में व्यापारिक माल की आवाजाही के लिहाज से मालदीव बेहद अहम हो जाता है। मालदीव से थोड़ी दूरी पर ही डिएगो गार्सिया नामक द्वीप है, जिस पर अमेरिका और ब्रिटिश नौसेना तैनात रहती हैं। साथ ही पास में मौजूद रीयूनियन द्वीप समूह पर फ्रांसीसी सेना मौजूद है। ऐसे में मालदीव पर प्रभुत्व जमाकर चीन भारत समेत कई देशों की सेनाओं की भी जासूसी कर सकता है। इसलिए ही चीन मालदीव से काफी नजदीकियां बढ़ा रहा है। दरअसल भारत पिछले कुछ सालों से मालदीव से दूर होता गया। इसकी वजह यह रही कि पूर्व की अब्दुल्ला यामीन की सरकार को चीन ज्यादा रास आया और इस वक्त मुइज्जू को भी चीन ज्यादा रास आ रहा है। लेकिन मालदीव में चीन की दिलचस्पी भारत के लिए खतरा पैदा कर सकती है, क्योंकि जहां जहां चीन होगा वहां वहां भारत मजबूत नहीं रह सकता। मालदीव से लक्षद्वीप की दूरी महज 1200 किलोमीटर है। ऐसे में भारत ये नहीं चाहता कि चीन पड़ोसी देशों के जरिए उसके और करीब पहुंचे, क्योंकि हिंद महासागर के अंदर लाइन ऑफ कम्युनिकेशन को सुरक्षित रखने के लिए मालदीव की लोकेशन से काफी कुछ हासिल किया जा सकता है। उदाहरण के लिए अगर आप सर्विलांस भी रखना चाहते हैं तो मालदीव की लोकेशन एक प्रकार का परमानेंट एयरक्राफ्ट कैरियर है, क्योंकि यूरोप में जब महायुद्ध हो रहा था तो माल्टा द्वीप का इस्तेमाल किया गया था। इसी दृष्टिकोण से इस वक्त मालदीव अपनी लोकेशन की वजह से बहुत अहम माना जाता है। इसी अहमियत को चीन ने बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया है, इसलिए पिछले 500 साल के बाद चीन ने हिंद महासागर में पहली बार 2008 में प्रवेश किया। 2007-08 में समुद्री लुटेरों की वजह से चीन ग्लोबल एंटी पायरेसी एफर्ट का बहाना बनाकर यहाँ पर आ गया, और तभी से उसके जहाज 24/7 यहाँ पर मौजूद रहते हैं। वे जिबूती से लेकर मालदीव
मालदीव से लेकर यूएई, पाकिस्तान और हिंद महासागर वेस्टर्न इंडियन ओशन में अपनी पकड़ बनाए हुए है, जो भारत के लिए परेशान करने वाली बात है। हिंद महासागर अभी सामरिक और सामुद्रिक दृष्टिकोण से चीन के लिए, अमेरिका के लिए और भारत के लिए एक बहुत अहम क्षेत्र हो गया है। लेकिन अगर यहाँ चीन का दखल ज्यादा होता है तो भारत को परेशानी होगी, जिसके लिए भारत को अहम रणनीति बनानी होगी, क्योंकि चीन मालदीव में अपनी चाल चल चुका है और भारत को अब चीन की चाल का काट ढूंढना होगा ताकि चीन को करारा जवाब दिया जा सके। ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए शेष भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।